हेलो दोस्तों, डिजी ज्ञान से स्थिति में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैन कार्ड बनाने के लिए आप फिंगरप्रिंट से भी अपन पैन कार्ड बना सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप किसी भी मेथड से पैन कार्ड बनाएंगे, आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो बहुत से लोगों के भी मन में ये डाउट होता है कि यहाँ पर क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, तो हम आपके लिए उसके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आप यहाँ पर लास्ट नेम फर्स्ट नेम अपना फिल कर सकते हैं, इसके बाद पिताजी का नाम फर्स्ट नेम और जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ पर लास्ट नेम में फिल कर देंगे। इसके बाद जैसा कि हमने ये फिल कर दिया है, इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक प्रिंट नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द ये ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर भी आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। इसके बाद आपको ये कोड सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे इंडियन सिटीजन पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अपने गांव का नाम, शहर का नाम, जो जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं उसका नाम डाल दीजिए। इसके बाद फिर से सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको फिर एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आप OTP और बायोमेट्रिक दोनों से कर सकते हैं। तो आप बायोमेट्रिक से कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी डिवाइस को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा, सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस पर ओके को क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारी डिवाइस जलने लगी होगी, ये हमारी डिवाइस जलने लगी, इस पर कस्टमर का फिंगर लगवा लेना है। फिंगर लगवाने के बाद जब फिंगरप्रिंट सक्सेसफुल हो जाए, तो यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको EKYC सक्सेसफुल। इसके बाद आप अगर एक बार फिर से वही उसी पेज पर डायरेक्ट हो जाएंगे आप बैक, यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक बेस ई साइन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक और पेज ओपन होगा, यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है जैसा कि आपको दिख रहा है। फिर यहाँ से अपनी डिवाइस जो मंत्रा सामने आ रही है, तो उस पर सेलेक्ट कर देना है। तो मंत्रा डिवाइस हमने सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर कर दिया। इसके बाद सबमिट कैप्चर बटन पर फिर से क्लिक करेंगे, फिर से कस्टमर की फिंगर अपन लगवाएंगे। फिंगर लगवाने के बाद ये प्रोसेस इस तरह से चलेगी। प्रोसेस होने के बाद हमारे सामने ये रिडायरेक्टिंग हो रही है, ई साइन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। इस तरह से हम अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ।